जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर हाजिर हूं कि गुरु स्वर की राशि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बधाइयां जी, बधाइयां आप सबको, ढेर सारी मुबारकें। जीव हैं गुरु, अध्यात्म के कारक हैं, आपकी बुद्धि के कारक हैं, आपकी मेधा के कारक हैं, आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में, आपके विवाह के कारक हैं, पति के कारक हैं अगर वो स्त्रियां हैं, आपके कुंडली में आपके बच्चों के कारक हैं, संतान के कारक हैं, आपकी बुद्धि के पढ़ाई के कारक हैं, आपके लिए धन के कारक हैं, ऐसे जो हैं वो गुरु अब स्व की राशि मीन राशि, जिसके राशि स्वामी खुद गुरु हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं और बहुत ही कंफर्टेबल होने जा रहे हैं। एक बार फिर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सबको प्रणाम करती हूं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाऊं। इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। ये जो राशि फल है, ये राशि और लग्न दोनों के अनुसार है, तो दोनों देख सकते हैं। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि गुरु की गतिविधियां इस संवत के अंत तक क्या रहेंगी। 13 अप्रैल 2022 को मीन में गुरु प्रवेश कर रहे हैं, 28 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे और 23 नवंबर को 2022 को ही फिर से मार्गी हो जाएंगे। तो 4 महीने के लिए गुरु वक्री रहेंगे। गुरु वक्री जब रहेंगे तब ध्यान रखिए कि गुरु स्लो चलेंगे और इनका असर जो है वो कम हो जाएगा। जो बहुत अच्छा असर दे रहे थे वो असर अब धीमे धीमे होगा और वक्री होने से जो ग्रह होता है वो पिछले घर का भी सोचना शुरू कर देता है। तो जब ये वक्री होंगे तो ये कुंभ राशि के विषय में भी सोचेंगे और मीन राशि के विषय में भी सोचेंगे, तब के फल उसी प्रकार होंगे। सारा संवत जो है गुरु उदित रहने वाले हैं और संवत पर्यंत गुरु के मीन में रहने की एक बार फिर मंगल शुभकामनाएं देते हुए चलिए राशि भविष्य शुरू करती हूं। मीन राशि वालों, आपके लग्न में गुरु आने वाले हैं। बहुत दिन आप परेशान रहे, पहले जब गुरु नीच का था, फिर जब गुरु द्वादश का हो गया, हालांकि स्थान बली था काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, फिर भी कम असर मिला। तबीयत खराब हुई, न जाने क्या क्या बिजनेस रुका रहा, इतना ज़्यादा पेंडेमिक रहा, आपने बहुत अपने प्रेमी से बिछोड़ा पाया, आपके विघटन हो गए प्रेम में, आपसे दूरियां बन गई प्रेमी की। अब क्या होने वाला है, एक तो शनि सपोर्ट करेगा विदेश रिलेटेड कामों में और आपके जो विद इन इंडिया काम है अचानक से उनमें वृद्धि होने वाली है। उच्च कोटि का प्रेम संबंध होगा या मित्रता होगी। आपके पर्सनालिटी में इजाफा, आपके कार्यों में इजाफा, आपके आकर्षण में इजाफा, आपकी अट्रैक्शन में इजाफा, सुंदरता बढ़ने वाली है। आपके पब्लिक इमेज अच्छी होगी, आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ होगी, बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे, उनकी अध्ययन पढ़ाई आपकी अध्ययन पढ़ाई इसमें आपकी वृद्धि होगी, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी। अगर आप कोई पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहते हैं अपनी या बच्चों की, तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके ज्ञान में हर प्रकार से वृद्धि होने वाली है। अच्छे मित्र उच्च कोटि के मिलने वाले हैं जो आपको पूर्ण सहयोग करेंगे। अगर आप विवाहित होना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, एकदम परफेक्ट वर वधु मिलेगा आपको। याद रहे, यहाँ पर परफेक्ट मिलने के बावजूद अगर आप उसमें मीन मेक निकाल कर वो रिश्ता छोड़ देते हैं क्योंकि उनका स्वभाव विपरीत है आपसे, तो ये गलत होगा। इसलिए इस समय आपको जो वर वधु मिलता है उससे शादी कर लीजिए, प्रोवाइडेडली गुरु कितना सपोर्ट करता है, आपको बुध कितना सपोर्ट करता है और चंद्रमा कितना सपोर्ट करता है, ये देखना पड़ेगा। अब याद रहे यहाँ पर कि आपके व्यावसायिक पार्टनर जो हैं, थोड़ा सा मतभेद है, थोड़ा सा अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ भी मतभेद है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आप व्यवसाय को बढ़ाएं और उनके चाहने से और उनके सहयोग से आपका व्यवसाय बढ़ेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, पब्लिक इमेज भी अच्छी होगी, गुप्त आपका ज्ञान जितना अध्यात्म के विषय में है वो बढ़ेगा और कार्य प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, नई नई ऑफर्स आपको मिलेंगी। आप कोई आध्यात्मिक काम में हैं तो उसमें ज़्यादा, नहीं तो भी आप
नेता हैं, अभिनेता हैं, आप कोई ऐसा काम गोल्ड का, ज्वेलरी का, अगर आप मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, अगर आप काम करते हैं लेक्चर देने का, बोलने का, ज्ञान का, अध्यात्म बांटने का, ज्ञान बांटने का, टीचर हैं, तो ऐसे काम आपके बहुत बढ़ सकते हैं। एकदम गहरे में जाकर काम बढ़ाएंगे आप बेस अपना स्ट्रांग करेंगे, इसमें बड़े भाई बहन आपका साथ देंगे। यात्राएं आपकी बड़ी हो सकती हैं, यात्राएं शुभ हो सकती हैं, कार्य में अचानक से वृद्धि हो सकती है, पिता से पूर्ण सहयोग, बड़े भाई बहनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है। अगर आप जमीन जायदाद लेना चाहते हैं, कोई काम आपका निपटा नहीं था, तो जमीन जायदाद से रिलेटेड भी आपका काम बन सकता है। आप याद रहे कि आपके कई सारे ऐसे काम जो यात्राओं में जाकर निपटने थे, वो भी हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि आपकी धार्मिक यात्राएं हो, तो आपकी धार्मिक यात्राओं में भी आपको बहुत ही आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। मीन राशि वालों, आपके बच्चे आपको बहुत सहयोग करने वाले हैं, उनके मंगल कार्य करने की आप बहुत सोचेंगे। हाँ, जिनके बच्चे नहीं हैं, उनके बच्चे होने की और उनका संतान बढ़ने की या संतान पाने की पूर्ण इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाएंगी, तो शादी के लिए भी उत्तम योग हैं। और अगर आप संतान पाना चाहते हैं, तो संतान आने के लिए भी अच्छे योग हैं। अगर मीन राशि वालों के लिए मैं अगर कोई उपाय बताऊं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण की आराधना, या शिव जी के मंदिर में जाकर आप केले चढ़ा सकते हैं, तो इससे, या ब्राह्मण को केले दान कर सकते हैं। आपके लिए ये उपाय अत्यंत उचित रहेगा गुरु का।